हरियाणा के समाज में पिछले 15-20 साल से अगर हम देखें तो लिंग अनुपात काफ़ी चिंताजनक है। जहां हरियाणा ने बाकी क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की है, वहीं आर्थिक क्षेत्र में तो तरक्की की, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के सूचकांक काफ़ी कमज़ोर हैं हरियाणा के, और लिंग अनुपात उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। और देखने की बात यही है कि सरकारी तंत्र भी, एनजीओज भी, सामाजिक संगठन भी और सामाजिक आंदोलन भी सभी महिला सशक्तिकरण के पक्ष में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे बहुत सकारात्मक सामने नहीं आ रहे हैं। यह और भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि इस सब के बावजूद लिंग अनुपात जो है का स्तर क्यों घटता जा रहा है। ये अपने आप में एक विश्लेषण की बात है और इसकी समीक्षा किया जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा जो अप्रोच है, जो हमारा रास्ता है, वो ठीक है या कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं इस संदर्भ में। दूसरी बात यह है कि इसके कारणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में परिवार में पुत्र लालसा एक बहुत बड़ी चीज है जो कि लिंग अनुपात को बेहतर बनाने में एक अवरोधक के रूप में काम करता है। पूरे परिवार में, पूरे समाज में इस तरह का वातावरण बना दिया जाता है कि एक पुत्र होना तो बहुत ज़रूरी है, और महिला को इस तरह की कंडीशनिंग कर दी जाती है कि वो एक पुत्र तो ज़रूर पैदा करे, और फिर जब वो पुत्र पैदा करने की तरफ कार्यान्वित होती है तो कहते हैं देखो हम तो कुछ कहते नहीं, ये महिला ही है जो पुत्र की इसको पैदा करने की इच्छुक है। वो इच्छुक नहीं है, बल्कि उसको इच्छुक बनाया गया है, उसकी कंडीशनिंग की गई है कि वो पुत्र पैदा करे। और ये पुत्र लालसा, लड़की को मार के पुत्र पैदा करना, ये और भी ज़्यादा गंभीर मसला है कि अगर लड़की है तो उसको मार दो, जब तक कि लड़का ना हो तब तक जितने भी प्रेगनेंसीज हैं उसमें लड़कियों को मारते रहो, ये खतरनाक जगह है। और इस पुत्र लालसा के उसमें यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी कई बार देखने को मिला है कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने में बहुत सी महिलाएं हैं जो लड़का पैदा होने की दवाइयां कहीं ना कहीं से लेती हैं, और अगर हरियाणा के बारे में कहा जाए तो हर 10 किलोमीटर पर एक आदमी या महिला कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो ये कहता है कि लड़का होने की शर्त या दवाई। और हमारे गांव की महिलाएं या शहरों की महिलाएं भी पुत्र होने की दवाई लेने में पीछे नहीं हैं, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसमें जन्मजात बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं नॉर्मल प्रेगनेंसीज के मुकाबले में। जिन महिलाओं ने पहले 3 महीने में गर्भावस्था में पुत्र होने की दवाई ली है उसमें जन्मजात बीमारियों की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार सामाजिक असुरक्षा का माहौल जो है उसमें महिला का एग्जिस्टेंस, महिला का वजूद ही आज चैलेंज हो गया है। इसी प्रकार उसकी अपनी स्वायत्तता जो है